हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग इस वीडियो में देखने वाले हैं एनी डेस्क के थ्रू आप किसी सामने वाले यूज़र के लैपटॉप या डेस्कटॉप में किस तरह से एंटीवायरस इंस्टॉल कर सकते हैं। तो आज का हमारा टॉपिक यही रहेगा, ठीक है। जिस तरह से आप देख रहे हैं, मैंने एनी डेस्क में सामने वाले का नंबर लिया और उनको एक्सेप्ट करने को बोला। जिस तरह से आप देख सकते हैं, अब मैं सामने वाले डेस्कटॉप का यूज़ कर रहा हूँ। ये मेरा पर्सनल डेस्कटॉप नहीं है, मैंने मेरे पर्सनल डेस्कटॉप से सामने वाले डेस्कटॉप का रिमोट एक्सेस लिया है, यानी कि एनी डेस्क का एक्सेस किया है। अब मुझे यहाँ पे क्विक हील टोटल सिक्योरिटी एंटीवायरस इंस्टॉल करना है, ठीक है। तो वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें। यहाँ पे मुझे लिखना है सिंपल डाउनलोड क्विक हील, ठीक है, एंटर कर देना है। एंटर करने के बाद पहला ऑप्शन आता है डाउनलोड सॉफ्टवेयर, वहाँ पे हम ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे। यहाँ पे हमें एक चीज़ और देखने को मिल रहा है, इंटर प्रोडक्ट की विदाउट ये लिखा है ऑप्शन। यहाँ पे आप प्रोडक्ट की लिख सकते हो। लेफ्ट हैंड साइड में जो TGJ328 लिखा है, ये यहाँ पे कोड लिख के सबमिट कर सकते हैं। अगर वो आपका इंटरनेट सिक्योरिटी रहेगा या टोटल सिक्योरिटी रहेगा, वो आपको ऑप्शन दे देगा डाउनलोड करने के लिए। हमें फ्री ट्रायल करना है डाउनलोड अभी के लिए, तो हम फ्री ट्रायल यूज़ करेंगे। यहाँ पे हमारे पास ऑप्शंस आते हैं क्विक हील, टोटल सिक्योरिटी, इंटरनेट सिक्योरिटी, एंटीवायरस प्रो और मैक के लिए PC ट्यूनर है, मोबाइल स्कैन के लिए है। जो आपको यहाँ से डाउनलोड आपके यूज़ के हिसाब से करना है, वो आप कर सकते हो इजीली जाके, ठीक है। तो मुझे यहाँ पे फ़िलहाल क्विक हील टोटल सिक्योरिटी यूज़ करना है अपने डेस्कटॉप के लिए, तो यहाँ पे मैं डाउनलोड करूँगा। यहाँ पे हमारा एक सेटअप छोटा सा डाउनलोड होता है, लेफ्ट हैंड साइड में आपको दिख रहा है। सेटअप को डबल क्लिक करके ओपन करेंगे, उसको यस करेंगे, ठीक है। यहाँ पे ऑटोमेटिक एक पॉपअप आएगा क्विक हील टोटल सिक्योरिटी के तरफ से, और यहाँ पे हमें चेक मार्क करना है और लेट्स स्टार्ट पे क्लिक कर देना है। ये थोड़ा सा टाइम लेगा डाउनलोडिंग होने के लिए, ये डिपेंड करता है आपके इंटरनेट स्पीड के ऊपर। गाइस, मैं आज इसमें आप लोगों को यही बता रहा हूँ कि किसी सामने वाले डेस्कटॉप या लैपटॉप का एनी डेस्क के थ्रू, आप उनके यहाँ नहीं गए हैं कोई बात नहीं है, आप अपने यहाँ पे, आप मुंबई में बैठे हैं, सामने वाला दिल्ली में है, या आप अमेरिका में बैठे हैं, सामने वाला इंडिया में है, या कहीं पे भी है, कोई टेंशन नहीं है। आप एनी डेस्क एक छोटा सा सॉफ्टवेयर होता है, मैं इस पे भी एक वीडियो बना दूंगा किस तरह से एक्सेस किया जाता है, फाइल शेयर किया जाता है, ठीक है। तो ये बहुत ही ईजी है, सामने वाला अगर अपना कोड बता देता है वो एनी डेस्क का, तो आप यहाँ पे कोड टाइप करके जैसे एंटर करेंगे, सामने वाले को एक रिक्वेस्ट जाती है, उसको यस करना होता है। जैसे वो यस करता है, आपको उसके पूरे सिस्टम का एक्सेस आपके सिस्टम पे आ जाता है। तो इजीली आप उसमें से जो चाहो अनइंस्टॉल करो या इंस्टॉल करो, कुछ फाइल्स एडिट करने हैं, कुछ देखने हैं, तो आप इजीली एक साथ में देख सकते हैं और कर सकते हैं। ये काफ़ी ईजी होता है सॉफ्टवेयर के थ्रू, ये बहुत ही कम MB का सॉफ्टवेयर होता है, ऑनलाइन इजीली अवेलेबल है, फ्री जाके आप उसको डाउनलोड कर सकते हो। एनी डेस्क आप अगर डालेंगे तो गूगल पे, ठीक है। तो आज हम लोग ये टॉपिक देखने वाले हैं और ट्रायल एंटीवायरस इंस्टॉल कर रहे हैं। मैंने बहुत सारे क्विक हील रिलेटेड या और भी टॉपिक रिलेटेड वीडियोस बना रखे हैं। जैसे कि आपको मालूम है, हमारे चैनल का नाम है ग्रो योर नॉलेज, आप हमारे चैनल पे विजिट करिए, वहाँ पे आपसे रिलेटेड या आपके टॉपिक रिलेटेड जो भी वीडियोस है वहाँ पे आप देखिए। आपको अच्छा लगे तो लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, और मुझे कुछ ऐसा लगता है या आपको कुछ ऐसा लगता है मुझे जानना चाहिए तो आप डेफिनेटली मुझे कमेंट करिए। और किसी और टॉपिक पे अगर आपको वीडियोस चाहिए तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, मैं ऐसे मतलब आपके टॉपिक के हिसाब से मैं वीडियोस अपलोड कर दूंगा, ठीक है। तो ये थोड़ा सा टाइम लेगा, तब तक के लिए मैं वीडियो को आगे की तरफ फॉरवर्ड कर देता हूँ, आप इसको आगे सेम फॉरवर्ड कर सकते हो क्योंकि वो सेम ही प्रोसेस चलने वाला है, ठीक है। थैंक यू। जिस तरह से आप यहाँ पे देख रहे हैं, ये हमारा डाउनलोडिंग का प्रोसेस और इंस्टॉलेशन कंप्लीट हो चुका है 100%। यहाँ पे हमें रेड दिख रहा है, नीचे देखेंगे अगर आप तो यहाँ पे रेड दिख रहा है, ठीक है, वो कोई बात नहीं, उसको हम अभी ग्रीन हो जाएगा, अपडेट हो जाएगा। यहाँ पे आपके डिटेल्स डालने हैं, अगर आप जेन्युइन डिटेल्स डालते हैं तो आपके ईमेल पे एक थैंक यू का मैसेज आएगा, अगर आप जेन्युइन डिटेल्स नहीं डालते हैं तो कोई बात नहीं है। तो इसमें हम एक अपना नाम डाल देते हैं, अपने एरिया का नाम, मतलब नाम, मोबाइल नंबर, स्टेट का नाम, कंट्री का नाम। आप यहाँ अभी मुझे जस्ट आपको दिखाना है, तो मैं यहाँ पे मेरा मोबाइल नंबर तो जेन्युइन नहीं डालने वाला हूँ, या अगर डालता हूँ भी तो भी हाइड कर दूंगा,
लेकिन मैं मेरा मोबाइल नंबर जेन्युइन नहीं डालूंगा, जैसे कि आप जान रहे हैं मैं मेरे चैनल का नाम यहाँ पे डाल रहा हूँ, ग्रो योर नॉलेज, और मेरा ईमेल आईडी डाल रहा हूँ, ये मेरा पर्सनल ईमेल आईडी नहीं है। तो आप अपना पर्सनल या प्राइवेट ईमेल आईडी डाल सकते हैं, या अगर आप ऑफिशियल यूज़ करने वाले हैं तो वो डाल सकते हैं, अदरवाइज़ कोई भी ईमेल आईडी डालिए। यहाँ पे आपका कंट्री सेलेक्ट करिए, मैंने इंडिया सेलेक्ट किया है क्योंकि मैं इंडिया से हूँ, और मैं स्टेट सेलेक्ट कर रहा हूँ, मैं महाराष्ट्र से बिलोंग करता हूँ और मुंबई जहाँ पर मैं रह रहा हूँ, ठीक है। ये चेकबॉक जो है आई एम बींग, यहाँ पे चेकबॉक में क्लिक नहीं करना, एक्चुअली मैंने गलती से क्लिक कर दिया है, तो कोई नहीं, इसको कैंसिल करके उसको अनचेक कर देंगे और कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे और इसको रजिस्टर कर देंगे और इसको फिनिश कर देंगे हम, ठीक है। तो इस तरह से हमारा एंटीवायरस का इंस्टॉलेशन का प्रोसेस कंप्लीट हो चुका है। जिस तरह से आप देख रहे हैं सिस्टम इज सिक्योर, आपको ये 1 मंथ तक देगा फ्री में यूज़ करने के लिए। टोटल इसके जितने भी बेनिफिट्स हैं सब आप यूज़ कर सकते हैं, स्कैन कर सकते हैं, बूट टाइम स्कैन कर सकते हैं, पीसी ट्यूनर रन कर सकते हैं, हर कुछ कर सकते हैं इसमें, आप साइट्स ब्लॉक कर सकते हैं, पासवर्ड इनेबल कर सकते हैं। तो आपको 1 मंथ तक ये फ्री देगा, उसके बाद आपको इसको परचेस करना है। देख रहे हैं आप डेटाबेस में है 24 नवंबर 2021, इसका लेटेस्ट डेटाबेस का जो अपडेट है वो बता रहा है वहाँ पे, ठीक है। और ये आपको 1 मंथ तक अपडेट, 1 मंथ तक आपको डाउनलोड मतलब एंटीवायरस ये वैलिड रहेगा, उसके बाद आपको खुद को इसे परचेस करना है तो परचेस कर सकते हैं, अगर नहीं करना है तो उसको आप वैसे रख सकते हैं या अनइंस्टॉल कर सकते हैं, डिपेंड। अगर आपको अच्छा लगा एंटीवायरस स्कैन कर रहा है आपका डेस्कटॉप या सिस्टम का प्रोटेक्शन कर रहा है तो आप इसको परचेस कर सकते हैं। मैं फिर से क्विक हील पे डबल क्लिक कर रहा हूँ, जिस तरह से आप देख सकते हैं पहले रेड दिख रहा था, अब वो पूरा ग्रीन हो चुका है, इसका मतलब मेरा सिस्टम यानी कि मेरा एंटीवायरस अपडेटेड है। मैं यहाँ पर सेटिंग में जाऊँगा, ये हमारा डेटाबेस बता रहा है कौन से डेट को ये अपडेटेड था और कौन से डेटाबेस, कौन से डेट से ये डेटाबेस लिया हुआ है इसने, ठीक है। मोर सेटिंग में जाऊंगा, अबाउट में आऊंगा, यहाँ पे मैं आपको दिखाने वाला हूँ, नीचे देख सकते हैं 31 डेज ट्रायल लेफ्ट लिखा हुआ है, जैसे कि मैंने आपको पहले बताया था कि ये 1 मंथ तक आपको ट्रायल यूज़ करने के लिए देता है, इसके फुल फीचर्स आप यूज़ कर सकते हैं। तो आई होप गाइस मैंने जो कोशिश की है बताने की वो आपको समझ में आया हो। पीसी ट्यूनर आप स्कैन रन कर सकते हैं, इसमें आपका क्या होता है टेम्प फाइल, परसेंट टेम्प, डिस्क क्लीनअप, रजिस्ट्री क्लीनअप, ये ऑटोमेटिक होता है, ये थोड़ा सा टाइम लेता है। तो इसमें मेरा टॉपिक यही था, हम किस तरह से ट्रायल यूज़ कर सकते हैं। तो आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा हो, वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू सो मच।